हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ले गया हूँ एक वीडियोकॉन का किट जो 21 इंच में है, जो इसका पोर्ट है। मैंने यहाँ पर टेबल पर सेटअप करके रखा है। मतलब किट में कौन सा भी किट कंपनी का किट यहाँ पर लगा सकता हो। तो आपको आगे ट्यूब दिख रहा है, वो ट्यूब में ये अटैच किया वाला है। तो आप देख पर टेंड स्टैंड बाय होने के बाद तो आप ट्यूब पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर दिख रहा है वीडियो देख पा रहे हो, यहाँ पर धुंधला वीडियो आ रहा है। तो यही ये इसका टीवी का जो फॉल्ट है, यही फॉल्ट है। यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर लगवाया था जो टेस्टिंग के लिए लगवाया था। धुंधला पिक्चर दिखना मतलब ये प्रॉब्लम एबीएल पॉइंट का रहता है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद भी अगर क्लियरिटी में नहीं फर्क गिर रहा है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एबीएल वोल्टेजेस कम से कम हमें 5 वोल्ट से लेके 10 12 से वोल्ट तक चाहिए होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1200 वोल्ट आप मल्टीमीटर पर देख सकते हो। 200 जो सीआरटी के लिए वोल्टेज जाता है, वहाँ से जंप रजिस्टर 100K का रजिस्टर लगा कर हमें यहाँ पर 12 वोल्ट तक मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 1.2 ही वोल्टेज आ रहा है, मतलब रजिस्टर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमें 100K का एक रजिस्टर देखना है, लिखा है और रजिस्ट्री पर एबीएल पॉइंट का नाम लिखा होता है, वहाँ पर से जैम कर देना है। तो जिसके बीच में जो रजिस्टर रहता है वही रजिस्टर है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर टीवी पर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए कि जैसे मैं इसे टच करता हूँ तो क्लियरिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क गिरता है। तो आपको मैं कलर कोड भी बताऊंगा। एक देख पा रहे, थोड़ा नॉर्मली फ़र्क गिरता है, मतलब ये क्लियरिटी में बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता है। तो ये प्रॉब्लम के लिए किसी और के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आपको अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर तपकरी काला और पीला कलर का एक रजिस्टर रहता है, जो 100K का रजिस्टर है, और लास्ट में गोल्ड सिल्वर कलर या गोल्ड कलर जिसका देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो रजिस्टर है यहाँ पर 200 वोल्टेज से लेके ईबीएल पॉइंट में इसे जंप कर देना है, ताकि हमें वहाँ पर कम से कम 5 वोल्ट से आगे मिल जाए, जिससे ट्यूब के लिए क्लियरिटी, एसटी के लिए एबीएल पॉइंट के वोल्टेजेस आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जंप करके दिखा रहा हूँ, ये इसे जंप कर देना है। तो आप ट्यूब की तरफ ध्यान दीजिए और ट्यूब पे देख सकते हो फर्क एक्चुअली कैसे गिर रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कलर भी आ रहे हैं, पहले सिर्फ ग्रीन ही दिख रहा था, देख लो डार्कनेस आ रहा है। जैसे मैं इसे यहाँ पे टच करता हूँ तो ट्यूब में लाइट जलने लगती, मतलब ये डार्कनेस आ रहा है, मतलब क्लियरिटी एकदम ओके हो जा रही है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्यूब पे, तो ये नॉर्मली रहता है लेकिन ये पता नहीं रहता किसी को भी। या तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लियरिटी में कैसे फ़र्क गिर रहा है। तो आप यहाँ पर हम शोल्डर करेंगे, और अगर इस वजह से अगर आपको कुछ और भी फॉल्ट आपको नज़र आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, इसे आ रहा है। तो आप मैं इसके बारे में सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नई नई वीडियो लाने के लिए। ऐसे ही नोटिफिकेशन की वीडियो मैं आपको अच्छी तरह से ला सकता हूँ। तो टेक्नीशियन के लिए आप एलसीडी, एलईडी मॉनिटर कौन सा भी वीडियो मैं आपके लिए ला सकता हूँ, जो कि ऑल इन वन रिपेयरिंग के लिए आपको मदद करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर जंप कर दिया है, तो मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। देख पा रहे हो यहाँ पे 173 वोल्टेज, मतलब 200 वोल्ट तक, और यहाँ पर देख पा रहे हो 9 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट तक, मतलब एबीएल पॉइंट के लिए 8 वोल्ट आ रहा है। तो अभी ठीक है, तो 5 वोल्ट से आगे ही हमें चाहिए 12 वोल्ट तक। हर टीवी का यही फॉल्ट रहता है, अगर दूर कट दिख रहा है, मतलब क्लियरिटी में नहीं आ रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो एबीएल पॉइंट का ही फॉल्ट रहता है। तो आप इस पर सिर्फ ध्यान देना है और एबीएल पॉइंट का ही काम करना है, कहीं और छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे मैंने जंप कर दिया है, तो अब इसे अच्छी तरह से लगवा दीजिए और हमारा टीवी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।